My heart says, देखो कुदरत के नजारे दिल मेरा। हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये वीडियो एडिट करने वाले हैं जो कि अभी आपने प्रीव्यू में देखा है। अगर इस तरह का वीडियो आपको भी अपना बनाना है तो बहुत ही आसान से स्टेप्स के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको लगे कि इस चैनल के थ्रू आपको आगे भी हेल्प मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको नोटिफिकेशंस ऑन करनी है ताकि डेली आपको वीडियोस मिलते रहें। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वीडियो हम कौन से ऐप की मदद से बनाएंगे। तो ये वीडियो बनाने वाले हैं हम VN ऐप की मदद से, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल से। एक्चुअली अभी जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकती, बट मुँह जुबानी आपको बता सकती हूँ कि आप कैसे VN को इंस्टॉल करेंगे। आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च में आपको VN टाइप करना है। ओके, VN आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद गैस, जब आप ओपन करते हैं इस ऐप को तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। ओके, ये हो गई एडिटर की बात। अब गैस, जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। आप ध्यान से सुनें कि आपको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना एक वॉकिंग वीडियो चाहिए, वो नॉर्मल जैसा भी है, वो बाद में परफेक्ट बन जाएगा, बट जैसा भी है एक वॉकिंग वीडियो चाहिए। ओके, प्रीव्यू के अकॉर्डिंग, जैसा कि प्रीव्यू में आपने देखा है। सेकेंड थिंग गाइज, आपको एक क्लाउड वीडियो की ज़रूरत है। तो क्लाउड वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, वैसे मैं क्लाउड वीडियो का लिंक अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप टेलीग्राम से चाहें तो क्लाउड वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अपना एक यूनिक क्लाउड वीडियो चाहिए जो आप अपनी पसंद से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए गाइज आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, नेटवर्क इशू है तो मैं सर्च करके दिखा नहीं सकती, तो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और सर्च बार में आप टाइप करेंगे क्लाउड वीडियोज़। ओके, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, इसको आपको सर्च कर लेना है। जो भी क्लाउड्स आपको मिलेंगे, कोई सा भी क्लाउड आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो इसी चीज़ आपको क्या करना है गाइस, कि आपको म्यूज़िक की ज़रूरत है इसके लिए। तो म्यूज़िक के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने कहा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम से ही आपको एक क्लाउड वीडियो डाउनलोड करना है। साथ में आपको एक रील वीडियो मिलेगा, रील वीडियो भी आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि वीडियो से हमें बाद में म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तीसरी चीज़ गाइस, आपको टेक्स्ट टेम्पलेट भी डाउनलोड करना है, यानी कि माय हार्ट सेज, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा है, वो जो टेक्स्ट टेम्पलेट है वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये तीन चीज़ें पहले आपको डाउनलोड करके रखनी है, टेक्स्ट टेम्पलेट, क्लाउड वीडियो एंड रील वीडियो। ओके, डाउनलोड करने के बाद गाइस, आप यहां पर सबसे पहले अपना वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे एडिटर में। ओके, तो अपना वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आप यहां प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना वीडियो यहां से इंपोर्ट कर लेंगे लाइक दिस। यहां से गाइस आपको फॉरवर्ड कर लेना है। फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ एंड में आप देखेंगे VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप आपको मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है, क्योंकि गाइस जब हमारा वीडियो पूरी तरह से बन जाता है तो ये डिफ़ॉल्ट क्लिप ऐड हो जाता है वीडियो के साथ, तो इसलिए इसको डिलीट करना होता है। देन गाइस आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 9:16 की रेशियो सेलेक्ट करेंगे। ये रेशियो टिकटॉक की है, लेकिन ये इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है। एंड ये रेशियो सेलेक्ट करने से हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो गाइस 9:16 की रेशियो आपको सेलेक्ट करनी है। अब हमें क्या करना है, म्यूज़िक ऐड करना है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, रील वीडियो आपको डाउनलोड करके रखना है, तो अब हम वीडियो से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड म्यूज़िक पे क्लिक करना है। ओके, देन आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे।
ओके। एंड यहाँ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेंगे ओके। यहाँ से गैज आप वो वीडियो ले लें अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से एंड यहाँ से आप ओके कर लेंगे। देन गैज आप यहाँ चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओके एंड यहाँ से डन कर लेंगे ओके गैस। अब गैस बारी आती है टेक्स्ट टेम्पलेट की। यहाँ पर हमें टेक्स्ट टेम्पलेट भी ऐड करना है। आप चाहें तो पहले ही जब हमने वीडियो को सेलेक्ट करा था साथ में आप टेक्स्ट टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते थे, पर अगर आप बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट टेम्पलेट को। तो इसके लिए आपको यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेक्स्ट टेम्पलेट ले लेते हैं। यहाँ से फॉरवर्ड कर लेंगे, ये हमारा टेक्स्ट टेम्पलेट माई हर्ट सेज आ चुका है ओके। अब गैस हमें क्या करना है, ये जो वीडियो हमारा नॉर्मल है अभी आप देख सकते हैं ये वीडियो हमारा बहुत ही नॉर्मल है, तो इसको हमें थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, इसको स्लोमो में कन्वर्ट करना है ठीक है। तो स्लोमो में कन्वर्ट करने के लिए नीचे आपको स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको कर्व करना है। तो इस तरह से हम इनको पूरी तरह से कर्व कर लेते हैं ओके एंड यहाँ से आपको डन कर लेना है ओके। तो इस तरह से हमारा वीडियो फास्ट मोशन से स्लोमो में कन्वर्ट हो चुका है। अब गैस हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहाँ तक रखेंगे जहाँ तक कि हमारा म्यूज़िक है। तो यहाँ से हम स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिलता है, स्प्लिट कर लें एंड एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लें ओके। नाउ गैस अब हमें वो क्लाउड वीडियो यहाँ पर ऐड करना है जो कि मैंने आपको कहा था डाउनलोड करके आपको रखना है। तो क्लाउड वीडियो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लाउड वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से रखेंगे जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे एंड लेफ़्ट साइड वाला पार्ट हमें डिलीट कर लेना है क्योंकि हमें ये वीडियो जहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ से रखना है क्लाउड वीडियो ओके। अब हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लाउड वीडियो के ऊपर इसको हम स्क्रीन पर पूरी तरह से फिल कर लेंगे। इस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर गैस हमें ऑप्शन मिलता है ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ ऑप्शन मिलता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके। अब इसको थोड़ा सा गैस हमें माइनस इसलिए करना है कि जो क्लाउड वीडियो है वो थोड़ा नीचे ज़मीन पर जो शो हो रहा है वो थोड़ा ना शो हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको माइनस करना है। आप 60% कर सकते हैं इस तरह से एंड यहाँ से आप डन कर लें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्लाउड वीडियो है इसमें हमें फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर का, आपको इसको सेलेक्ट करके रखना है। फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको फ़िल्टर का, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एस्थेटिक, तो एस्थेटिक सेलेक्ट करें और यहाँ से गाइस आपको वैसे जो भी पसंद आता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे वो ये वाला इफेक्ट है, तो हम P2 वाला फ़िल्टर यूज़ कर लेते हैं और जो भी यहाँ पर पसंद आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर एस्थेटिक में आपको मिल जाते हैं, तो ये वाला जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, इसको मैं ले लेती हूँ एंड यहाँ से डन कर लेते हैं ओके। इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो परफेक्ट बन जाता है गाइस ओके। ये आप देख सकते हैं। तो गैज इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ये वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट टेम्पलेट आपको मिल जाता है, म्यूज़िक लिंक आपको मिल जाता है, क्लाउड वीडियो आपको मिल जाता है, बस आपको अपना एक वीडियो लेना है उसको स्लोमो में कन्वर्ट करना है और क्लाउड वीडियो ऐड करना है और उसको आपको ब्लेंडिंग करना है ओके, और आपका वीडियो कम्प्लीट हो जाता है। अब गैज आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है ओके एंड यहाँ से डन कर लेना है। अब दोस्तों आप यहाँ सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वीडियो आपका सेव हो गया। सो गाइज कैसा लगा है ये वीडियो आपको, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक दे दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लियर ज़रूर करना है, कॉमेंट में मुझे बताएं, जो भी आपको अच्छा बुरा जैसा लगा हो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लगा है कि इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली है, आगे भी आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके। आगे आप समझदार हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।